जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने घोषणा की है कि बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश के सभी पार्क और बगीचे जनता के लिए खुले रहेंगे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने यह घोषणा की। खान ने जोर देकर कहा कि सभी लोगों को कोविड 19 महामारी से संबंधित मानकों और चिकित्सीय सलाह का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे चेहरे पर मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और इन जगहों के अंदर और बाहर सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें। खान ने एहतियाती उपायों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों ने खान को सूचित किया कि बगीचों और पार्कों के प्रवेश द्वार पर लोगों के शरीर के तापमान की जांच होगी, साथ ही पार्क और उद्यानों में आगंतुकों के उपयोग के लिए हैंड सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। हमारा इंट्रक्शन ये है कि हमारा मेरा जो नाम है वो शेख मेराजुद्दीन है। हम लोग यहाँ दुकानदार भी है और फोटोग्राफर भी है। हम यहाँ टूरिस्ट के साथ वाबस्ता थे और 5 अगस्त से पूरा ठप बैठा है एक साल से। हम गुजारिश करता है गवर्नमेंट से, आपके वसादत से, कि हमारा भी कुछ इंतज़ाम करे 12 महीने। और यहाँ से गवर्नमेंट जो स्कूल वाले हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत तंग कर रहे हैं, नहीं फीस डालो। हमारे पास जब खुद के रोटी खाने के लिए कुछ नहीं तो उनके लिए कहाँ से लाए। हम लोग बहुत परेशान, बहुत सफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कुछ पैकेज जो है, जो फोटोग्राफर साहिबान है या यहाँ के दुकानदार है जो इतनी पूरे साल से घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करे। कल शाम की जो इंस्ट्रक्शन है कि गार्डनर्स को, तो आप उस फैसले को कैसे देखते हो? हम बहुत अच्छा समझते हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है ताकि हर एक को रोजी रोटी मिले। मगर बदकस्मती ये जो है, आज हमने देखा है कि बहुत सारे को इन्होंने वापस कर दिया है चश्माशाही के लिए, जो BSF वहाँ सिक्योरिटी जोन लगा है उसकी वजह से। तो हम लोग परेशान हैं, हमारा तो कोई इस ऐलान से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हम पूरे दिन भर यहाँ बैठे हैं, कोई फ़ायदा नहीं अभी तक। चाहेंगे और हमें ये बताइए कि कल जो फैसला आया है, कितना खुश है उस फैसले से? जी, मेरा नाम फिरदौस अहमद है। तो कल जो हमने सुना है गार्डन्स पार्क सब खुल रहे हैं आज से, तो हम खुश हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी, सबसे बड़ी खुशी इस बात से होनी चाहिए हमें कि जब ये खुल गए तो टूरिज्म वूरिज़म कुछ भी नहीं है। तो हमें, हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से वो लोकल है या टूरिज़्म, इनको आने की दावत दे, तो तभी हम कुछ कर सकते हैं, हमारी रोजी रोटी चल सकती है। एज अ लोकल क्या मैसेज आपके यहाँ के लोगों के, टूरिस्टों के लिए? हाँ, प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जैसे कि मास्क, सोशल डिस्टेंस, ये जो भी इसमें सैनिटाइजर, तो वो ज़रूरी है सबके लिए। देखिए, कल से यानी कि 8 जुलाई 2020 से जितने भी जम्मू कश्मीर UT के जो पार्क्स और गार्डन्स हैं वो कल से खुल जाएंगे। और हमने आज अनाउंस किया है कि वो कल से खुल जाएंगे पब्लिक के लिए, और जनरल पब्लिक जो है वो वहाँ पे जा सकती है। लेकिन सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त होगी कि जो लोग भी वहाँ जाएं वो ख़ास तौर पे एहतियात करें, जो उनको ऑलरेडी मेडिकल एडवाइजरीज दी गई हैं कोरोना वायरस के बारे में। एक तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, और हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। वहाँ पे भी हमने एंट्री पॉइंट में भी रखा है, और अंदर भी अपने साथ अगर हो तो सैनिटाइजर्स वगैरह ले जाएं। दो, और सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट जो है उसको ख़ास तौर पे उसको इस्तेमाल में लाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। ये जो हमने गार्डन्स और पार्क्स खोले हैं, इनके एंट्री पॉइंट में फर्दर हमने जो है वहाँ पे एंट्री पॉइंट में वो थर्मल स्क्रीनिंग का भी उसमें वहाँ पे इंतज़ाम रखा है कि ताकि उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाए जिनको कोई सिम्टम्स वगैरह किसी किस्म की नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त एक दफ़ा फिर से आप लोगों से यही है कि ये जो मेडिकल एडवाइजरी है, ख़ासतौर पर मास्क पहन के जाना और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, तो इसका ख़ासतौर पर पूरा ख्याल रखें और इस पर ज़रूर अमल में लाएं। शुक्रिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.